Hello friends, welcome back. In the part one, we have discussed the meaning of management and characteristics of management. Now, in the second part, we are going to discuss the objectives of organization, or you can say the responsibilities of manager. So first, open up the books. एक क्वेश्चन मेरे पास रेज अप किया गया था, उसका मैं जवाब इस वीडियो से दे दूँ कि सर कैसे रिवाइज कैसे करें। तो बेटा, ये जो आपके पास मेरी बुक है, देखें, ये जो आपके पास मेरी बुक है, इसके अंदर जब आप यहाँ पर जाते हैं, पेज नंबर, इंडेक्स में आपको दिखा दूँ, पेज नंबर 371 आपको दिख रहा है, देर इज़ अ कम्प्लीट रिविज़न टूर। तो जब आप इस कम्प्लीट रिविज़न टूर पर जाएंगे, तो वट यू हैव टू डू, यू विल फाइंड, वेट 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 वेट, यस, ये मैंने कंसाइज में यहाँ पर नोट्स बना के दिए हुए हैं आप लोगों को। तो आपको बार बार, मतलब एक बार आपने बुक रीड कर ली, मेरे वीडियो देख ली, उसके बाद अपनी बुक रीड कर ली, बट बार बार जब आपको करना है, तो सिर्फ ये जो कंप्लीट रिवीजन टूर है, इसको गो थ्रू करते रहो, ताकि मेन पॉइंट्स आपके दिमाग में जाकर बैठ जाए। और जब क्या बोलते हैं, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद ये जो बुक में बैक में मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं किसी भी चैप्टर के, मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइक दिस, ये जो मैंने पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं, ठीक है, एक लाइन में, सीक्वेंस में, देन आपको ये सब करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कैसे रिवाइज करने, कैसे पढ़ना है, वो मैंने आपको बताया। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और यू कैन से द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजर। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं, उनकी तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। फर्स्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा होता है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब ये क्या है, जरा समझते हैं। एज ए मैनेजर, इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करना जरूरी है। द फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल, सेकंड इज सोशल, एंड थर्ड इज पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? देखो, ऑर्गेनाइजेशन अगर सेटअप की गई है, तो उसके कुछ गोल्स हैं जो मैनेजर्स को अचीव करने हैं, एंड व्हाटएवर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव, व्हाटएवर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव, दीज आर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। उसको हम क्या बोल देंगे सिंपल टर्म्स में? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। डिटेल में अभी घुसूंगा, ऊपर ऊपर से बात कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके सोशल ऑब्जेक्टिव। अगर आप एक बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, तो आप अपना प्रोडक्ट सोसाइटी को बेच रहे हो, तो टुवर्ड्स सोसाइटी आपकी कुछ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लाइक फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करना, राइट क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करना एट राइट प्राइस, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, ये किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना करना, दीज आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, यू कैन से एज सोशल ऑब्जेक्टिव। अपार्ट फ्रॉम दैट, द थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, या वहां पर मैनेजर हैं, तो इट्स योर ड्यूटी कि जितने भी सबॉर्डिनेट्स, जितने भी इंडिविजुअल्स आपके अंडर काम कर रहे हैं, उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर वो आज आपके साथ एसोसिएट हुए हैं किसी पोस्ट पर, किसी लेवल ऑफ जॉब पे, तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, उनको ये रियलाइज होना चाहिए कि उनकी ग्रोथ हो रही है। ये नहीं है कि वो जिस पोजीशन पे स्टार्ट किया था, वो 10 साल बाद भी उसी पोजीशन पे, उसी सैलरी पर स्टैंड कर रहे हैं। अगर ऐसा है, तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी टीम बिल्डअप नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली देर आर 3 ब्रॉड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वन इज ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड इज सोशल, एंड थर्ड वन इज पर्सनल। अब मैं एक एक करके सारी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखिए, वैसे तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बट अगर मैं कॉमन बात करूँ, तो हर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को, हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। क्या बोला मैंने? फर्स्ट इज सर्वाइवल, सेकेंड इज प्रॉफिट, एंड थर्ड इज ग्रोथ। आज आप कोई भी अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आप एक बात बताइए, आपका सबसे पहला मकसद क्या होगा? आपका सबसे पहला मकसद होगा कि मेरे पास इतनी सेल्स आ जानी चाहिए, इतना रेवेन्यू आ जाना चाहिए, सो दैट मैं अपनी कॉस्ट को रिकवर कर पाऊँ। येस और नो? जिस दिन आपकी ये सिचुएशन आ गई, यू आर इन द पोजीशन टू जनरेट इनफ ऑफ रेवेन्यू टू कवर अप द कॉस्ट,
उसको हम टेक्निकली ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं, जब आपकी इतनी सेल्स आए कि आपकी कॉस्ट कवर अप होनी शुरू हो जाए तो आप सरवाइव कर पा रहे हो मार्केट में। मतलब आप ठीक है कमा नहीं पा रहे, बट एटलीस्ट यू आर इन द पोजीशन कि आपको अपनी जेब से नहीं देना पड़ रहा, आप इतना कमा रहे हैं कि आप अपनी कॉस्ट को कवर अप कर पा रहे हैं। जिसको मैंने एक बहुत ही अच्छी लाइन से अपनी बुक में कोट किया है, नॉट गेटिंग किल्ड बाय द कॉम्पिटिटर्स या कॉम्पिटिशन। आप देख सकते हैं इसको, ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड, ये देखिए, सर्वाइवल मीन्स नॉट गेटिंग किल्ड बाय कॉम्पिटिशन। आप पढ़ेंगे तो वही बात है जो मैंने आपको इसके अंदर सारी की सारी बताई। सर्वाइवल देयर आफ्टर, देखिए सर्वाइवल हो गया, आपने इतना रेवेन्यू जनरेट कर लिया कि आप अपनी कॉस्ट को रिकवर कर पा रहे, बट इट इज़ नॉट दैट कि आप वहाँ पर शांत बैठ जाए। इन्वेस्टर्स ने, ओनर ने अपनी हार्ड अर्न मनी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट की है, तो मैनेजर्स की ये ड्यूटी बनती है कि उस पर एक अच्छे रिटर्न्स जो हैं वो इन्वेस्टर्स को, ओनर्स को प्रोवाइड किए जाए। तो आफ्टर द सर्वाइवल, इंश्योरिंग द सर्वाइवल, द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज टू जनरेट द इनफ ऑफ प्रॉफिट्स सो दैट द फेयर रिटर्न्स कैन बी प्रोवाइडेड टू द इन्वेस्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रही है बात? तो फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया क्या था? सर्वाइवल, टू जनरेट इनफ रेवेन्यू टू कवर अप द कॉस्ट, वेरी गुड। देयर आफ्टर द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज प्रॉफिट, दैट इज टू प्रोवाइड फेयर रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर्स। एंड देयर आफ्टर द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज ग्रोथ। ये नहीं है कि प्रॉफिट कमाया तो आराम से शांति से बैठ गए कि जी बहुत हो गया, नहीं। द नेक्स्ट टारगेट इज ग्रोथ, दैट इज टू गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज, टू इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम, टू इंक्रीज द स्केल ऑफ बिजनेस। हाउ यू कैन मेजर दैट स्केल ऑफ बिजनेस हैज इंक्रीज्ड? कैसे हम देख सकते हैं कि स्केल ऑफ बिजनेस बढ़ा है? जब आपकी सेल्स बढ़ रही है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, तो दैट रिप्रेजेंट्स द ग्रोथ ऑफ बिजनेस, दैट इज मेजर्ड ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। अगर इस साल मेरा टर्नओवर 1000 करोड़ का था, 1000 करोड़ का था, एंड द नेक्स्ट ईयर इफ इट इज 1500 करोड़, सो दैट डेफिनेटली रिप्रेजेंट्स द ग्रोथ ऑफ 50%। सो देर आर थ्री मेन ऑब्जेक्टिव, द वन इज सर्वाइवल, द सेकेंड इज प्रॉफिट, एंड द थर्ड वन इज ग्रोथ। सर्वाइवल लिख दूं मैं शॉर्ट के अंदर, ध्यान से देखिए। देखिए मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, सर्वाइवल, टू अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। ये देखिए कीवर्ड्स होते हैं जो आपको एग्जाम में अंडरलाइन करके आने हैं। थियरी पेपर में बेटा इतना टाइम किसी पे भी नहीं होता कि वो आपकी एक एक लाइन पढ़े। अगर 180 नंबर का आपका पेपर है और एक एक लाइन हमने उसमें पढ़ना शुरू कर दिया तो इट विल टेक अराउंड 20 मिनट्स टू चेक अ पर्टिकुलर पेपर। जबकि एवरेज टाइम जो अलॉट होता है या कोई भी एक टीचर एवरेज टाइम एक पेपर को देता है, दैट इज 4 to 5 मिनट्स। तो आपके सारे वर्ड्स पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। तो एग्जाम में आप अंडरलाइन जरूर करें, खासकर थ्योरी पेपर में। और अंडरलाइन क्या करना है वो मैं आपको कीवर्ड सारे के सारे बताता रहता हूं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट, टू अर्न या टू प्रोवाइड फेयर रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स लिख लो, ज्यादा बेटर है। देयर आफ्टर ग्रोथ, टू गो बियॉन्ड बाउंड्रीज मेजर्ड ऑन ईयर टू ईयर बेसिस, ठीक है। और इसके लिए हम क्या कंपेयर कर सकते हैं? वी कंपेयर फॉर दिस सेल्स ब्रांचेस एम्प्लॉइज इंक्रीमेंट्स आर कंसिडर्ड, ठीक है।
ये थोड़ा मैंने जानबूझ के ज़्यादा लिखा है क्योंकि ग्रोथ समझने में दिक्कत होती है जनरली बच्चों को. तो दिस इज़ द वे, द फर्स्ट वन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. अब ये, अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं. रीड कर लीजिएगा बुक में से, सारा वही कंटेंट है जो मैंने आपको बताया, डायग्राम बना के आइएगा. नेक्स्ट इज़ द सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव मैंने आपको सबसे पहले बताया क्या, आप अपना प्रोडक्ट सोसाइटी को डिलीवर कर रहे हैं. देयर इज़ अ, आपके सिलेबस में नहीं, आउट ऑफ द सिलेबस जाके आपको एक बात बताता हूँ. महात्मा गांधी जी की एक ट्रस्टेशिप फिलॉसफी है क्या, कि कोई भी बिजनेस जो है उसको इनपुट्स सोसाइटी से मिलते हैं और वो अपने आउटपुट भी सोसाइटी को ही देता. बिजनेस में इंप्लॉयज आ रहे हैं वो सोसाइटी का पार्ट है, आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है वो सोसाइटी से मिल रहा है, कुछ भी इनपुट आपके पास बिजनेस में आ रहा है वो सोसाइटी से आ रहा है, और आप अपना प्रोडक्ट बनाकर उसमें थोड़े से अपने प्रॉफिट ऐड करके अल्टीमेटली बेचते भी किसको, सोसाइटी को. तो सोसाइटी की तरफ अपना कंसर्न रखना हर बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है. और कंसर्न रखने का ये मतलब नहीं है कि आप फ्री में प्रोडक्ट बांटो या आप उस पर मत कमाओ, ये बात नहीं है. बात ये है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी बिजनेस ना करे जिससे सोसाइटी के अंदर उस बिजनेस की एक गलत इमेज, एक रॉन्ग इमेज क्रिएट हो. और उसके लिए बिजनेस को किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है. सबसे पहले, यूज़ द फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन. इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिटी बाय प्रोवाइडिंग बेसिक कम्युनिटीज जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल. आज हमारे देश में टाटा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो पब्लिक पागल है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए. पागल इन द सेंस, नॉट इन दैट सेंस, पब्लिक विलिंगली चाहती है कि टाटा के प्रोडक्ट्स खरीदे. आपको पता है ऐसा क्यों? टाटा एक ऐसा ग्रुप है जो अपनी ऑलमोस्ट 50% इनकम फॉर सोसाइटी बेनिफिट्स यूज़ करता है, चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल्स हों, चाहे स्कूल्स हों. बहुत इनकम का एक मेजर पार्ट जो है सोसाइटी की बेनिफिट्स के लिए टाटा ग्रुप की तरफ से दिया जाता है. तो दैट क्रिएट्स द इमेज ऑफ द बिजनेस इन द सोसाइटी एंड हेल्प्स इन बिल्डिंग अप द ग्रोथ, और यू कैन से इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ द बिजनेस. नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ राइट क्वालिटी प्रोडक्ट एट रिजनेबल प्राइस. ये नहीं है कि आपका ब्रांड बन गया तो आप बहुत हायर प्राइस चार्ज करना शुरू कर दें, कस्टमर्स को लूटना शुरू कर दें. बेटा याद रखना, ये कस्टमर ही है जो इमेज बनाता है और ये कस्टमर ही है जो इमेज गिरा भी सकता है. फाइनेंशियल सपोर्ट देना कम्युनिटीज़ को, उसके बाद प्रोवाइडिंग employment opportunities to weaker section of society. ठीक है, so these are some social objectives. Apart from that, coming to the next, that is the personal objective. अब personal objective क्या है, ध्यान से देखिए. मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, कोई भी individual जो आपकी organization को join करता है वो मल्टीपल नीड्स के साथ ज्वाइन करता है. किसी की उम्मीद होती है सैलरी, किसी की उम्मीद होती है प्रमोशन, किसी की उम्मीद होती है इंटर्नशिप, किसी की उम्मीद होती है एक्सपीरियंस. बट ऑल दोज वर्क्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ठीक है, वो कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए वर्क कर रहे हैं, बट ये नहीं है कि वो कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में तो लगे रह गए, बट आपने उनके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव थे, जिस उम्मीद के साथ उन्होंने ज्वाइन किया था, आप उसको इग्नोर करना शुरू कर दें. अगर आप उस चीज़ को, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को इग्नोर करेंगे तो उनके अंदर मोटिवेशन की कमी आएगी, वो काम उतने मोटिवेशन के साथ नहीं करेंगे, इनिशिएटिव लेकर नहीं करेंगे, जिससे लॉन्ग रन के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सफ़र करना पड़ेगा. क्योंकि याद रखिए, एम्प्लॉयज आर द पिलर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इफ एम्प्लॉयज आर स्ट्रांग, योर पिलर्स आर स्ट्रांग, ओनली देन और योर ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट द ग्रोथ इन लॉन्ग रन. तो आइए, कौन कौन से पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं. द वेरी फर्स्ट इज फाइनेंशियल नीड्स, दैट इज द बेसिक सैलरी और पर्क्स. देयर आफ्टर द सोशल नीड्स. लाइक देखिए, सिर्फ सैलरी देने से कुछ नहीं होता. आपने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, बेस्ट एम्प्लॉय का प्रोग्राम दिया, किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ करी, जो कंपनी की मैगजीन निकलती है उसमें फ़ोटो दी, तो दीज आर कॉल्ड एज वॉट, पीयर रिकोगनीशन. ये मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज. देयर आफ्टर हायर लेवल नीड्स. जो एम्प्लॉय बहुत तरीके से डेडिकेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टाइम डिवोट कर रहे हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, ये नहीं है कि वो जिस लेवल पर हैं उसी लेवल पर रहें. उनको लॉन्ग रन के अंदर एक अच्छी डेवलपमेंट देना, जीरो लेवल से अपर लेवल तक लेके जाना भी मैनेजर्स की ड्यूटी है. अगर वो इनिशिएटिव ले रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बियॉन्ड अदर्स कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, दैट इज़ वॉट कॉल्ड एज पर्सनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. इन द एब्सेंस ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ये लाइन आपको जरूर लिख के आनी है,
इंडिविजुअल में हैव लेस इंटरेस्ट इन द वर्क. बट याद रखिए, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल में सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल है, क्योंकि जब वो प्रॉपर तरीके से फुलफिल होगा तभी हम सोशल और पर्सनल को फ्यूल प्रोवाइड कर पाएंगे और वो ऑब्जेक्टिव्स भी हम फुलफिल कर पाएंगे. ठीक है जी, अब इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाओ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में अपना एक सुंदर सा कमेंट लिखो. दैट विल गिव द मोटिवेशन टू मी एज वेल. एंड डू नॉट फॉरगेट टू इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स अबाउट दिस चैनल. एंड यू कैन ऑल्सो रेट मी ऑन गूगल, जस्ट टाइप चंदन पोदार, गिव मी द रेटिंग्स. चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. देखिए, अभी तक आपने मैनेजमेंट का मतलब समझ लिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ ली कि मैनेजमेंट में क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है. अपार्ट फ्रॉम दैट आपने ऑब्जेक्टिव समझ ली, उससे हमें एक आइडिया मिल चुका है कि इम्पॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट. सबसे पहली इम्पॉर्टेंस, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स. मतलब मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करती है. यस और नो, देखो फर्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. कैसे भाई? मैनेजमेंट का काम क्या है? All the individuals who are working in the organization, उनको direction provide करना इस तरीके से कि वो organization की betterment के लिए काम करें. और अगर वो organization के betterment के लिए काम कर रहे हैं तो by default उनके personal objectives भी achieve होंगे. Yeah, दोबारा बता देता हूँ बेटा, जो management है ना, वो उसका काम क्या है कि जो भी individuals ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, उनको यूज़ करना इस तरीके से कि सबका मकसद सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना. दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस पॉइंट ऑनली. सेकेंड, मैनेजमेंट का गोल क्या होता है? टू मेंटेन द एफिशिएंसी, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी. फर्स्ट पार्ट में सिखाया था बेशर्म, याद करो एफिशिएंसी. यस, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि मिनिमम कॉस्ट के अंदर अपने टारगेट्स को अचीव करना. एफिशिएंसी, सी सी याद आ रहा है? इफेक्टिवनेस मेंटेन करना. इफेक्टिवनेस मेंटेन करना भी मैनेजमेंट का काम है. दैट इज टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैनेजमेंट जो है वो एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में हेल्प करती है. मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूँगा यहाँ पर, अगर आपको याद हो तो. नोकिया के फ़ोन याद हैं? ये वाले फ़ोन देखो, नोकिया के ये फ़ोन बड़े मशहूर हुआ करते थे. नोकिया हर 4-6 महीने पे कुछ ना कुछ इस तरीके की ड्रामेबाजी करके फ़ोन उतार रखते थे. लेकिन आज के टाइम पे नोकिया का मार्केट से नाम हट गया. क्यों? क्योंकि जब एंड्रॉयड आया तो गूगल ने सबसे पहले अप्रोच किया नोकिया को. तो नोकिया ने कहा ठीक है, हम इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन आप ये एंड्रॉयड किसी और को नहीं दोगे. गूगल ने कहा ऐसा नहीं है जी, देंगे तो सबको देंगे. और फिर गूगल ने वो नोकिया को छोड़ के बाकी सबको दे दिया. और हुआ क्या, नोकिया जो 2009-2010 में इंडियन मार्केट में एक अपनी अच्छी पोजीशन रखता था, आज के टाइम पर कोई लेते हुए भी उसे 100 बार सोचता है. तो अच्छी मैनेजमेंट अगर है तो आप डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में हेल्प करती है. बट अगर बैड मैनेजमेंट है तो इस तरह के डायनेमिक बैड मैनेजमेंट है तो इस तरह का जो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वो नहीं बन पाता, जिसकी वजह से हमें सफ़र करना पड़ सकता है. जहाँ जहाँ बेटा मैं एग्जांपल देता हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जांपल आप एज इट इज़ एग्ज़ाम के अंदर लिख के आए, उससे आपको 2 फायदे मिलेंगे. मैं बताता हूँ, पूरी बुक के अंदर शायद मैंने 1000 से ज़्यादा एग्जाम्पल दिए. आप एग्ज़ाम्पल पढ़ते हैं ना तो 2 फायदे होते हैं. एक तो वो बहुत जल्दी दिमाग में बैठ जाते हैं, दूसरी चीज़ कंटेंट बनता है, तीसरी चीज़ जो टीचर है उसको ये समझ में आता है कि आपको इस टॉपिक की प्रैक्टिकल अप्रोच पता है. तो जहाँ एग्जांपल्स हैं आप उस चीज़ को सबसे पहले दिमाग में बैठाओ, वहाँ पे आप एक लाइन का टेक्स्ट लिख के भी आ जाओगे तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट. और मैंने कोशिश करी है कि सारे ट्रेंडिंग एग्जांपल्स डालूँ, ABC राम श्याम गीता मोहन वाले एग्जांपल्स ना डालूँ. सारे लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग एग्जांपल्स आपको इस बुक में मिलेंगे. यही इस बुक का एडवांटेज है. 2 साल लगा करके इस बुक को लिखा है बेटा, कोई मजाक नहीं है कि ओवर द नाइट उठाई 4 किताबें रखी और एक बुक बना दी. बड़ी पेशेंस के साथ सोच करके पूरी बुक लिखी गई है. इसका पूरा यूटिलाइजेशन आप करें, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ ये बुक और जो मैं आपको वीडियो लेक्चर्स ट्यूटोरियल्स दे रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है टू स्कोर 100% मार्क्स. चलिए आगे बात करते हैं. मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि
इंडिविजुअल ज्वाइंस द ऑर्गेनाइजेशन विथ मल्टीपल नीड्स, द मेन एम ऑफ मैनेजर इज टू मोटिवेट देम, टू लीड देम, टू यूज द लीडरशिप क्वालिटी सो दैट वाइल वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दे कैन ऑल्सो अचीव देयर पर्सनल ऑब्जेक्टिव. मैनेजमेंट का काम यही होता है कि मोटिवेशन और लीडरशिप क्वालिटी से एम्प्लॉय से इस तरीके से काम लिया जाए कि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को बहुत अच्छे से अचीव करें, और जब वो अच्छे से अचीव करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को तो बाय डिफॉल्ट उनकी पर्सनल डेवलपमेंट, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव होंगे. ठीक है, तो आप देखिए ये लाइन मैंने लिखी है, थ्रू मोटिवेशन इन लीडरशिप मैनेजमेंट हेल्प्स टू डेवलप टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस. तो आपने अभी तक देखा फर्स्ट इज ग्रुप गोल्स, सेकेंड इज एफिशिएंसी, ये मैं आपके साथ ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ. इसके बाद डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इफेक्टिवनेस भी आप इसमें डाल सकते हैं, हेल्प्स इन, अब लास्ट पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. किस तरीके से, ध्यान से देखिए, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैंने दिया है, इससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. इन केस ऑफ कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स इट इज़ नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, प्रोडक्शन प्लेस, इंग्रेडिएंट्स एटसेट्रा. मैनेजमेंट इंश्योर्स प्रोस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी बाय फुलफिलिंग ऑल दीज लीगल प्रोविजंस. आप कोई भी कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट उठाओ, उसमें ये सारी डिटेल्स होती हैं जिससे आपको राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, एक कस्टमर का राइट होता है भाई, बचपन में पढ़ के आ रहे हो 10th क्लास में, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड मतलब आपका वो राइट फुलफिल होता है उससे. ठीक है, जिससे आपको पता लगता है वो प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके सेहत पे आपके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है. यस और नो, आप वो कभी कोका कोला पे देखो तो लिखा होता है कंटेन्स कैफीन, ठीक है, और बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा होता है, ताकि जो आप उसके बावजूद आप उसे पी रहे हो वो आपकी गलती है. ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी कि भैया ये चीज़ इसके अंदर है जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है एक लेवल पर जाकर. ठीक है, तो बेसिकली इस तरह की चीज़ें जब प्रोडक्ट पे प्रिंट की जाती है, प्रोडक्ट के बारे में इस तरह की इन्फॉर्मेशन डिलीवर की जाती है, तो मैनेजमेंट जो है वो हेल्प कर रही है सोसाइटी की डेवलपमेंट में, कि सोसाइटी देन सोच के डिसीजन ले कि वेदर उसे वो प्रोडक्ट कंज्यूम करना है या नहीं करना, उससे उसकी सेहत पर क्या अच्छे असर पड़ सकता है या क्या बुरा असर पड़ सकता है. ध्यान से देखिए, दस गुड मैनेजमेंट इंश्योर बेटर इनपुट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. और कहीं ना कहीं देखो, अगर आप पूरा का पूरा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट किया क्या यार, वही जितना अभी तक पढ़ा था, हेल्प्स इन एफिशिएंसी, हेल्प्स इन इफेक्टिवनेस, हेल्प इन मेंटेनिंग डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, हेल्प्स इन अचीविंग सोशल ऑब्जेक्टिव. 5 पॉइंट मोटे मोटे, 6 याद कर लो, खुश हो जाओ. सबसे पहला हेल्प्स इन, अरे कैमरा तो बड़ा कर दो भाई, ध्यान से देखो, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यस और नो, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, नेक्स्ट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस. ये 3 पॉइंट तो मैंने वहीं से निकाल लिए शुरुआत में जो पढ़ाया था. ठीक है, आज की क्लास से ले लेता हूँ, हेल्प्स इन अचीविंग सोशल ऑब्जेक्टिव, आज की क्लास से हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, आया ना, और एक ये भी लास्ट क्लास से लेता हूँ, हेल्प्स इन, ये अच्छा लगता है मुझे, क्रिएटिंग डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें आपको याद क्या करना था यार, ये टॉपिक भी याद करके जाओगे एग्जाम में, हैं बस ये मेन पॉइंट. और ये भी क्या है, मीनिंग से निकल गई चीज, तो ये ऑब्जेक्टिव से निकल गया, और ये मैंने आपको नेचर में पढ़ाया था, तो इसको क्या याद करना है आपको, उसी की एक्सप्लेनेशन उठा के इसमें लिख दो, खामा खा इसके ऊपर आप अपना टाइम डिवोट करते हो. समझ में आया? चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपना क्या, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. उससे पहले एक टॉपिक और भी है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी, एनसीईआरटी के अंदर यह है, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा याद रखो. देखो आज के टाइम पर मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है. पहले क्या होता था, लाला की दुकान चला करती थी, जैसे मर्जी काम करें कोई दिक्कत नहीं है, दूर दूर इलाके तक कोई एक दुकान है, मोनोपोली चल रही है. लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, कस्टमर वेल इन्फॉर्म्ड है, कस्टमर के पास बहुत चॉइसेस हैं, कस्टमर को आज के टाइम पर क्वालिटी चाहिए, कम प्राइस पे चाहिए,
और आफ्टर सेल सर्विसेज चाहिए। ध्यान से समझना, ये तीन प्रिंसिपल्स बिजनेस के। कस्टमर को आज के टाइम पर सिर्फ आप प्रोडक्ट बेच दो इससे काम नहीं चलेगा, सबसे पहले क्वालिटी देनी पड़ेगी, फिर आपको मिनिमम प्राइस इंश्योर करने पड़ेंगे, और तीसरी बात बेचने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज। अगर ये तीनों चीज़ें परफेक्ट है ओनली देन आप अपने बिजनेस में लीडर बन पाओगे, अदरवाइज नहीं बन पाओगे। आज के टाइम पे इन 21st सेंचुरी जो पहले बिजनेस एक बाउंड्रीज में चला करते थे, एक रीजन में चला करते थे, एक एरिया में चला करते थे, वो सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। बाउंड्रीज बिटवीन द नेशंस गेट ब्लर्ड एंड न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेक्स इट पॉसिबल टू थिंक द वर्ल्ड एज ए ग्लोबल विलेज। NCERT की एज इट इज लाइनें कोट कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। पहले जब तक ये YouTube वगैरह नहीं था, ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, मैं एक रीजन में, एक कमला नगर दिल्ली नॉर्थ कैंपस का टीचर था। लेकिन आज जब ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास है, तो नाउ द वर्ल्ड इज़ लाइक अ ग्लोबल विलेज फॉर मी। मैं इंडिया के, वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर तक इस टेक्नोलॉजी के थ्रू पहुंच सकता हूं। तो मैनेजमेंट का होना, मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में, अगर आप बिजनेस को इतने बड़े स्केल पर ऑपरेट करना चाहते हैं। ये लाइन अपने दिमाग में बिठा लें, भैया होनी तो चाहिए। यस, बाउंड्रीज बिटवीन नेशन एंड कल्चर्स गेट ब्लर्ड एंड न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेक्स इट पॉसिबल टू थिंक द वर्ल्ड एज ए ग्लोबल विलेज। ये लाइन समझ में आ रही है? ये लाइन आपको बहुत अच्छे से दिमाग में होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी लाइन है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, क्या, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और अभी तक भी अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो बहुत गलत बात है ये बच्चों, हाँ फटाफट करो, और फटाफट व्हाट्सएप पे दोस्तों के साथ लिंक शेयर करो कि वॉच दिस लेक्चर ऑन द चैप्टर 1 ऑफ मैनेजमेंट एंड एंजॉय इट।